जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ECG में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मृत। रतन टाटा जी के इस अनमोल वचन के साथ में आज हम उनको बर्थडे विश करते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रतन टाटा जी। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो इनको नहीं जानता होगा। ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पर्सन एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर रतन टाटा जी। आज 28 दिसंबर है, आज के दिन पे इनका बर्थडे है। तो इसी की इन्हीं के अनमोल वचन के साथ में अपने मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, और आज का टॉपिक जो है मैंने EVS से वाटर को पिक किया हुआ है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मेरे स्टूडेंट ने वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ। इतना टफेस्ट टॉपिक जो है थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मैं उसको लास्ट में दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, 5 o'clock होने वाले हैं। मैं 4:45 पे रूम पहुंच गई थी, और कट 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 बच्चे ही आ गए, मैं बातें भी नहीं कर पाई आप लोगों से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे के ब्लॉग को शूट करते हैं काम करके। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चाय वगैरह बनाने लग गई थी और बर्तन क्लीन करने लग गई थी। बच्चे थोड़ा पहले ही आ गए थे, 5-10 मिनट पहले आ जाते हैं, तो यहाँ मैं एक्टिव हो जाती हूँ अपने काम करने के लिए। और मैं यहाँ पे क्लीनिंग भी कर रही थी, और साथ में जो है उनके क्लासेस लेने के लिए मैं जो है चाय बनाने लग गई थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपसे दूध पिया करूँगी, लेकिन अदरक रखा था, मुझे तेज़ अदरक वाली चाय पसंद है, और मेरा गला भी थोड़ा इस टाइम ख़राब था, तो इसलिए मैंने तब तक जो है चाय बना ली थी। और चाय बन भी रहा था, साथ में यहाँ मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए थे, और ज़्यादा बर्तन नहीं रहते क्योंकि मॉर्निंग के ही रहते हैं तो जल्दी हो जाता है। और उसके बाद जो है आज मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ है EVS का, वाटर। ओ वाटर, ये NCERT का है, तो इसको ज़रूर लास्ट तक वॉच करिएगा। इसमें वाटर साइकिल है, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि आप सभी टीचिंग एस्पायरेंट के लिए, और सीटेट का तो एग्ज़ाम ही आ गया, उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये वाटर टॉपिक जो मैंने आज पिक किया हुआ है, ये थर्ड स्टैंडर्ड के भी क्लास में है, और मैं थर्ड स्टैंडर्ड की क्लास टीचर हूँ। तो आज मेरी स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक को एक्सप्लेन करके दिखाएगी। देखिए मेरे स्टूडेंट्स कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वाटर साइकिल जैसे टॉपिक को, जिसे समझने में बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो डोंट स्किप एनी पार्ट, लास्ट पार्ट को ज़रूर वॉच करिएगा। और यहाँ पे मेरी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हो गई थी। और इसी तरह से वाटर ऑफ वाटर पढ़ने के बाद जो है मैंने एक चार्ट रेडी किया हुआ है, जिसका मैं ब्रीफ स्टोरी आपको बताने वाली हूँ कि हमारे अर्थ में जो है वाटर लेवल जो है बहुत कम हो चुका है, जिसमें टोटल वाटर जो है वो हमारे अर्थ में 71% ही रिमेनिंग है। अब आप कहोगे कि 71% तो बहुत ज़्यादा है, बट उसमें से हम फ्रेश वाटर जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं वो बहुत कम बचा हुआ है। जैसे वो 71% अर्थ में टोटल वाटर है, जिसमें से फ्रेश वाटर जो है ऑलमोस्ट 2.7% है, अगर हम राउंड फिगर लें तो 3% ही बस रिमेनिंग है। और इसी बात में हम आपसे आज एक क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और फिर मेरा ये डिनर वगैरह कंप्लीट होकर के मैं स्टडी करने लग गई थी, नोट्स बनाने लग गई थी। तो सबसे पहले आप वाटर साइकिल का एक्सप्लेनेशन देखिए कि मेरे स्टूडेंट ने कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो लेट स्टार्ट। Sun rises, falls into the river, and river gets
percolation. वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। तो यहाँ पर आपका वाटर साइकिल जो है रिपीट हो गया होगा और मैं दिखा रही हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने थर्ड स्टैंडर्ड की ही बुक से पिक किया हुआ था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे लिए तो बहुत है और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी ये बेनिफिट है। इस तरह से मैंने अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लिया था और मैंने एक वीडियो भी देखा हुआ था मैं ज्ञान IQ का, उसका लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स इट। तो टुडेज क्वेश्चन इज़ वाटर डे कब मनाया जाता है और इस ईयर की उसकी थीम क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।